हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आविद अली अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब के बारे में, जो कि टेक महिंद्रा के बारे में है। दोस्तों, टेक महिंद्रा एक एमएनसी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में। दोस्तों, ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं जॉब के बारे में कि मुझे जॉब लेना है टेक महिंद्रा में, तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। दोस्तों, ठीक है, तो मैं इस वीडियो में 7 टोटल टॉपिक को कवर करूंगा। दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं जॉब कैसे ले सकता हूँ टेक महिंद्रा में। तो नंबर वन ये चीज़ है दोस्तों कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी मतलब होता है कि आप योग्यता, तो आपको योग्यता कम से कम 12 पास होनी चाहिए। अबव डिग्री आप कुछ भी हो सकता है, ग्रेजुएट हो सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आप हो सकते हैं। नंबर टू ये दोस्तों कि इंटरव्यू राउंड कितने होते हैं। तो इंटरव्यू राउंड ये डिपेंड करता है प्रोसेस पे कि किस प्रोसेस के लिए आपने अप्लाई किया दोस्तों, ठीक है। कुछ कुछ इंटरव्यू होते हैं 2 राउंड के, कुछ कुछ होते हैं 4 राउंड के, कुछ कुछ होते हैं 5 राउंड के, ये डिपेंड करता है। इंटरव्यू दो मतलब प्रोसेस जो होता है वो 2 राउंड में होता है। एक होता है आपका वॉइस प्रोसेस और दूसरा होता है नॉन वॉइस प्रोसेस। नंबर थ्री लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज आपका कौन सा लैंग्वेज कंपनी रिक्वायर्ड करती है। मान लीजिए कि हिंदी की हायरिंग चल रही है तो आपको हिंदी आना जरूरी है। अगर इंग्लिश की हायरिंग चल रही है तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। अगर फ्रेंच की हायरिंग चल रही है तो आपको फ्रेंच आना जरूरी है। ये लैंग्वेज डिपेंड करता है आपके ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर, कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए अगर उसके अकॉर्डिंग वो हायर करेगी, ठीक है। दोस्तों, नंबर फोर्थ को अगर बात करें तो वहाँ पे होता है ट्रेनिंग पीरियड। अगर आप सारा इंटरव्यू फेस करके आपका सिलेक्शन होता है कंपनी में, तो कंपनी आपको ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे 17 दिन या 21 दिन या फिर किसी किसी कंपनी में 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। एमएनसी कंपनी क्या करती है कि ट्रेनिंग के लिए पेबल करती है दोस्तों, ठीक है, चाहे वो 10,000 करे या 11,000 करे, लेकिन ट्रेनिंग के लिए पे करेगी आपको। लेकिन जो नॉन एमएनसी कंपनी है वो ट्रेनिंग के लिए पेमेंट नहीं करती है। उसका कहना है कि आप ट्रेनिंग से जब आ जाओगे, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट आपका हो जाएगा, तब वो आप जब हॉटलाइन पे रहिएगा तब वो कंपनी आपको पेमेंट करेगी दोस्तों, ठीक है। ये ट्रेनिंग का मैंने बताया। नंबर फाइव ये है दोस्तों कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आपने सारा आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है, तो आपको TL है वो या फिर आपका जो सीनियर HR है वो आपको सिखाएगा या फिर AM आपको सिखाएगा कि बात करने का तरीका ऐसे है, या फिर सीनियर जो आपका एजेंट है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वो आपको हेल्प करेगा कि ऐसे कॉल लेना है, कस्टमर से ऐसे बात करनी है, पोलाइटली बात करना है, किस टॉपिक पे क्या बोलना है, किस टॉपिक पे क्या बोलना है, ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा। जब तक आप ये सीख नहीं जाते तब तक वो हॉटलाइन पर आपको बैठने नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। अगर नंबर सिक्स की बात करें तो सैलरी इशू आता है। सैलरी डिफरेंट होती है दोस्तों, मैं बार बार यही बात बताता हूँ, सैलरी बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। सैलरी फर्स्ट पहला चीज़ ये दोस्तों कि वॉइस में सैलरी ज़्यादा होती है, नॉन वॉइस में सैलरी कम होती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि आपका लैंग्वेज क्या है। आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, हिंदी है तो कम होगी, बंगाली है तो कम होगी, उड़िया है तो कम होगी, असमीज है तो कम होगी, फ्रेंच होगी तो ज़्यादा होगी, मतलब ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। प्लस आपका शिफ्ट क्या है, मतलब आप डे शिफ्ट में है तो कम होगी, नाइट शिफ्ट में है तो ज़्यादा होगी, क्योंकि नाइट जो अलाउंसेस मिलता है वो कंपनी ज़्यादा देती है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें 7 नंबर टॉपिक की, तो वह है रेफरेंस इनकम। मतलब रेफरेंस, आप कंपनी के एम्प्लॉयज बन चुके हैं, ठीक है, आपको कंपनी की तरफ से आई कार्ड मिल गया है, ठीक है, आपकी सैलरी मिल रही है, हर मंथ पर मंथ आप वर्क कर रहे हैं कंपनी में। अब आप क्या कीजिएगा कि किसी बंदे को रेफर कीजिएगा। रेफरेंस मीन्स होता है कि किसी अपने दोस्त को फ्रेंड सर्कल में बताना कि मैं इस कंपनी में, मैं टेक महिंद्रा में जॉब कर रहा हूँ, क्या आप टेक महिंद्रा में जॉब करना चाहते हैं। अगर वो एग्री है, आपके बात से सहमत है, इंटरेस्टेड है, हाँ मुझे भी करा दीजिए, आपने उसको रेफरेंस नंबर दे दिया कि हाँ हायरिंग चल रही है आप आ जाओ, वो बंदा आपका इंटरव्यू मतलब कंपनी में आता है इंटरव्यू देने के लिए, उस बंदे का टेक महिंद्रा में सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। टेक महिंद्रा में सिलेक्शन होते ही और वो 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है, वो कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका रेफरेंस अमाउंट है, चाहे वो 8,000 रहे या 10,000 रहे या 5,000 रहे या 2,000 रहे, जितना भी है अमाउंट वो आपका अकाउंट में, आपकी सैलरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है जब आपकी सैलरी आएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो मैं आपको बताया वो टेक महिंद्रा का मैंने बताया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं आपको बनाया हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप टेक महिंद्रा के बारे में मतलब जॉब करना चाहते हैं तो आपको पहले ऑफिस जाना होगा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं गांव से हूँ या मैं किसी शहर से हूँ लेकिन ऑफिस दूर है तो मैं घर पर बैठे काम लूँ, वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको ऑफिस आना ही होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा, प्लस ऑफिस में ही काम करना होगा दोस्तों, जो बात है क्लियर। इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है, फ्रेंड है या किसी तरह का कोई जॉब कंसल्टेंसी है जहाँ आप कंसल्ट करके इंटरव्यू दे दीजिए, आपकी नौकरी हो जाएगी क्रैक कर लिए तो, ठीक है। तो कैसा लगा जो दोस्तों वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल से जय हिंद, जय भारत।